नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सप्रोटेक में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्टॉक मार्केट में नया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि कौन सा स्टॉक को चुनें, किस कंपनी का शेयर को पहले खरीदें। जैसा कि आपने सुना होगा, जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि आप उन्हीं कंपनियों का शेयर खरीदें जिनके बारे में आप जानते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो मुझे कंपनियों के बारे में डिटेल कहाँ से पता चलेगा। तो चलिए मैं आपको एक वॉरेन बफेट का तरीका बताता हूँ जिससे कि आप अपना पहला स्टॉक चुन सकते हैं। तो आप पहले ये सोचिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट है जिसे आप रेगुलर यूज करते हैं। शायद आपका जवाब होगा व्हाट्सएप एंड फेसबुक, क्योंकि व्हाट्सएप एंड फेसबुक हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, रेगुलर यूज करते हैं। तो जरा सोचिए कि जो फेसबुक कंपनी है ये 20 ईयर्स पहले थी क्या? आपका जवाब होगा नहीं, राइट? क्योंकि 20 ईयर्स पहले फेसबुक नहीं थी, व्हाट्सएप नहीं था। तो क्या ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि 20 ईयर्स आगे भी ये फेसबुक रहेगी क्या? आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे 20 साल के बाद भी फेसबुक रहेगी क्या। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट को चुनना है, ऐसे कंपनी को चूज करना है जो 20 साल पहले भी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट को हम जानते हैं। सबसे पहले जब हम सुबह उठते हैं तो हम लोग टूथब्रश यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं। तो आप सोचिए कि 20 साल पहले लोग पेस्ट यूज़ करते थे या नहीं? 20 साल पहले भी लोग पेस्ट यूज करते थे और आज भी यूज करते हैं। तो जरा सोचिए कि ऐसी कौन सा कंपनी है जो 20 साल पहले भी टूथपेस्ट बनाती थी। शायद आपको सबसे पहला नाम याद आएगा कॉलगेट का। कॉलगेट 20 साल पहले भी थी और आज भी है, और समय के साथ उसने अपने आप को अपग्रेड भी किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कॉलगेट टोटल है, कॉलगेट जेल है, कॉलगेट हर्बल है, कॉलगेट बैठ सकती है। तो समय के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अपग्रेड भी किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये कॉलगेट जो अपने आप को समय के साथ अपग्रेड कर रही है, ये 20 ईयर्स के बाद भी रहेगी, राइट? तो शायद आपको ऐसे कंपनियों पर भरोसा ज़्यादा होगा जो 20 साल पहले भी थी, समय के साथ अपग्रेड भी कर रही है, तो 20 साल के बाद भी रहेगी। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने घरों को पेंट करवाते होंगे, क्या 20 साल पहले लोग घरों को पेंट करवाते थे? आपका जवाब होगा हाँ। तो जहाँ सोचिए कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो 20 साल पहले भी पेंट बनाती थी। शायद आपको सबसे पहला नाम याद आएगा एशियन पेंट का। एशियन पेंट 20 साल पहले भी थी और आज भी नंबर वन पे है। क्यों? क्योंकि एशियन पेंट अब समय के साथ अपने आप को अपग्रेड कर रही है। उसके बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, रॉयल इमर्सन, अपेक्स अल्टीमा, इस तरह के बहुत सारे उसके प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो अपने आप को समय के साथ अपग्रेड किया और इसलिए आज भी नंबर वन पे है। तो हम एशियन पेंट पे ये भरोसा कर सकते हैं कि 20 साल के बाद भी रहेगी। तो ऐसे कंपनियों को चूज कीजिए जिसको जिसका प्रोडक्ट आप यूज करते हैं, और उसके ऊपर आप वॉरेन बफेट का ये सवाल पूछिए, क्या ये 20 साल पहले थी, क्या टाइम के साथ उसने अपने आप को अपग्रेड किया, क्या 20 साल के बाद भी रहेगी। तो आप ऐसे कंपनियों पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कॉलगेट एशियन पेंट का चार्ट और देखते हैं कि उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। अगर आप इसका चार्ट देखें पिछले 10 साल का, 15 साल का, 20 सालों का, तो आप देखेंगे कि इन्होंने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिया है। और इसका एवरेज एनुअल रिटर्न अगर देखें तो आपको 15% से ऊपर ही मिलेगा, प्लस टाइम टू टाइम इन्होंने डिविडेंड भी दिया है। तो इस तरह से एक बहुत ही कंसिस्टेंट, बहुत ही अच्छा ग्रोथ रहा है। तो इसी तरह के आप और दूसरे प्रोडक्ट को आप चूज कीजिए जो आप यूज़ करते हैं, उसके कंपनियों को आप देखिए। तो चलिए, आपने अपना पहला स्टॉक तो चूज कर लिया, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसे खरीदे कहाँ से। खरीदने के लिए आपको एक अच्छा भरोसेमंद ब्रोकर की ज़रूरत है। आजकल मार्केट में ब्रोकर तो बहुत हैं। तो चलिए सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि ऐसा कौन सा ब्रोकर है जो 20 ईयर्स पहले थी और आज भी ट्रस्टेड कंपनी है। मेरा जो भरोसा है वो है एंजल ब्रोकिंग पे, क्योंकि ये कंपनी 20 ईयर्स पहले भी थी। एक्चुअली एंजल ब्रोकिंग 30 ईयर्स ओल्ड कंपनी है और एक ट्रस्टेड कंपनी है, और उन्होंने समय के साथ काफ़ी सारे फीचर्स ऐड किए हैं, अपने आप को काफ़ी अपडेट किया है, और समय के साथ उन्होंने अपने ब्रोकरेज को भी काफ़ी कम किया है। आज उनका ब्रोकरेज जीरो है। अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हैं और उसका डिलीवरी लेते हैं और एक दिन के बाद उसे कभी भी बेचिए, उस पर आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है। जी हाँ, नो ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी। तो अब इससे सस्ता और कहाँ मिलेगा, वो भी एक भरोसेमंद कंपनी के साथ। तो चलिए अब एंजल ब्रोकिंग पे लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि इस पे स्टॉक खरीदना कितना आसान है। तो ये मैंने एंजल ब्रोकिंग के साइट पे लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे ऑर्डर में आप जाकर बाय पे क्लिक करिए
और सिंबल जहाँ है वहाँ पर आप एशियन पेंट टाइप कीजिए, वहाँ पर सजेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 1751। चलिए मैं अभी इससे थोड़ा कम ऑर्डर प्लेस करता हूँ। हमने क्वांटिटी डाल दिया क्वांटिटी वन, प्राइस डाल दिया लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से थोड़ा नीचे 1750 रुपया, और क्लिक किया सबमिट एंड कन्फर्म द ऑर्डर, और ये ऑर्डर प्लेस हो गया। बस इतना ही है, ईजी है ऑर्डर प्लेस करना एंजल ब्रोकिंग पे। तो आप भी सोचना स्टार्ट कीजिए कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और उसकी कंपनी कितनी पुरानी है, और उस पर वॉरेन बफेट का ये जो तरीका है इसको अप्लाई कीजिए और देखिए कि ये कंपनी 20 ईयर्स पहले थी या नहीं, और उन्होंने समय के साथ खुद को अपग्रेड किया या नहीं। तो ऐसे प्रोडक्ट को सेलेक्ट कीजिए, ऐसे प्रोडक्ट के कंपनी को सेलेक्ट कीजिए और उसका स्टॉक से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और नोटिफिकेशन पाने के लिए आप ये बेल आइकन भी जरूर क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।